गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक सत्याग्रह हुआ था। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। देखा जाए तो महात्मा गांधी के चंपारण आंदोलन ने कई लोगों को प्रभावित किया और वे इस अभियान से जुड़ते चले गए। लेकिन महात्मा गांधी के साथ चंपारण में जुड़ने वाले जिस व्यक्ति को इतिहास कमतर आका, आज हम उस व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह में अहम भूमिका निभाने के बाद भी इनमें जो सुर्खियों से सबसे दूर रहे वो थे पीर मोहम्मद अंसारी। अंसारी का जन्म 1882 में बेतिया में हुआ था और जब गांधी चंपारण पहुंचे तब अंसारी बेतिया राज इंग्लिश हाई स्कूल में टीचर थे, लेकिन इसके अलावा वो एक पत्रकार भी थे। अंसारी उस वक्त किसानों की समस्याओं और उनके उत्पीड़न की कहानी को कानपुर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक अखबार प्रताप के जरिए लोगों के सामने लाते थे। प्रताप की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1913 में की थी। पीर मोहम्मद अंसारी शुरू से ही इस अखबार से जुड़ गए थे। वो एक एक्टिविस्ट पत्रकार थे और हिंदी पत्रकारिता में उन्होंने एक अहम रोल अदा किया है। वो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 15वें अध्यक्ष भी चुने गए थे। उन्हें कई झूठे मामलों में फंसाया गया, उन पर मुकदमा चला और 10 महीने की जेल की कड़ी सजा भी सुनाई गई। अधिकारियों की नजर में वो एक खतरनाक व्यक्ति थे। बेतिया राज भी उन्हें खतरनाक मानता था। उन्हें स्कूल शिक्षक की नौकरी से निकाल दिया गया था। गांधी ने जब चंपारण का दौरा किया तो गांधी पीर मोहम्मद मुनीस की माँ से मिलने उनके घर आए थे। वो उस दौर के एक लौते पत्रकार थे जिसके घर गांधी जी गए थे। अब तक गुमनाम रहे मुनीस ने बिहार के बुद्धिजीवियों के एक वर्ग का ध्यान आश्चर्यजनक रूप से अपनी ओर खींचा है। कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल ने जो खत गांधी जी को लिखे थे वो दरअसल मुनीस के ही लिखे हुए थे। ये बात भी सामने आई कि 1916 में लखनऊ में होने वाले कांग्रेस के वार्षिक सत्र में राजकुमार शुक्ल के साथ मुनीस भी गए थे। इन लोगों ने वही गांधी जी से मुलाकात की थी। पत्रकारिता में सक्रियता और समर्पण के अलावा वो हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे के प्रबल समर्थक थे। मुनीस 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान उन्हें 3 महीने तक कैंप जेल में हिरासत में रखा गया था। चंपारण में किसानों और गन्ना मिलों के बीच बिचौलियों को हटाने की मांग को लेकर उन्होंने गन्ना किसानों का खुलकर समर्थन भी किया था। 1937 में उन्होंने बेतिया नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया था। वे 1921 से बिहार की प्रदेश कांग्रेस इकाई से जुड़े रहे। आजादी की लड़ाई में कई लोगों ने अपना बलिदान दिया। किसी ने लिखकर राष्ट्रवाद की अलग जगाई तो किसी ने सत्ता के खिलाफ सड़क पर उतरकर। अंसारी आजादी के एक ऐसे ही नायक थे, खासकर चंपारण सत्याग्रह के, जो पूरी तरह से देश के लिए समर्पित थे। अफसोस कि 1937 में चंपारण जिला परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पीर मोहम्मद अंसारी को चंपारण के इतिहास से ही गायब कर दिया गया।